everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Arsh Kaur, and as you have read the title, this video is all about the complete guide of beginner's makeup kit. If you are new to makeup or you are a bride-to-be, then this video is gonna be so helpful for you. And if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe and press bell icon so that मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. सो इनफ विद द टॉकिंग एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एंड आई ट्राई टू गिव अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. सो मेक श्योर कि आप वीडियो को स्किप ना करें और वॉच इट टिल द एंड. सबसे पहले हम बात करेंगे मॉइस्चराइजर की. मॉइस्चराइजर इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर योर मेकअप. व्हेनेवर यू बाय अ मॉइस्चराइजर, आप हमेशा अपनी स्किन के टाइप को ध्यान में रख के मॉइस्चराइजर लीजिएगा. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट सूट करेंगे. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट लेने होंगे. जैसे ही मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जब भी आप मेकअप करते हो तो प्राइमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टे योर मेकअप. एंड फॉर अफोर्डेबल रेंज आई हैव दिस इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर. इट क्लेम्स एज प्राइम्स, प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजेस. और ये ऑयल फ्री भी है. सो अगर आपकी स्किन ऑयली और ड्राई भी है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन पर्सन, यूज़ अ गुड मॉइस्चराइजर अंडरनीथ, उसके ऊपर आप ये प्राइमर यूज़ कर सकते हो. और ये काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट दे देता है और इट्स लॉन्ग लास्टिंग एज वेल. ये आपको नियरली 240 की रेंज पे नायका पे मिल जाएगा. सो डू चेक इट आउट. एंड वी हैव दिस अनदर अफोर्डेबल ऑप्शन विच इज़ शुगर का बेस ऑफ ग्लोरी प्राइमर. इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. इट्स अवेलेबल ऑन नायका एंड शुगर की वेबसाइट एज वेल. अगर आपको बाय करना है तो आई सजेस्ट कि आप शुगर की वेबसाइट से बाय करो, बिकॉज उनके काफ़ी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं. आपको कोई कॉम्बोज भी मिल सकते हैं. फॉर हाई एंड ऑप्शन आई हैव दिस स्मैश बॉक्स का प्राइमर और इट्स अ ओरिजिनल फोटो फिनिश स्मूथ एंड ब्लर प्राइमर. ये आपकी पोर्स को बिल्कुल ही ब्लर कर देता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर है. इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला विद अ वेरी स्मूथ टेक्सचर और आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा एक कैनवस देता है उस पर वर्क करने के लिए. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई एंड प्राइमर तो डू इन्वेस्ट इन दिस प्राइमर. फॉर फाउंडेशन आई हैव दिस मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन. इट्स अ नॉर्मल टू ऑयली स्किन फाउंडेशन, बट आई बिलीव ये ऑयली और ड्राई दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं. और इसकी काफ़ी एक अच्छी फिनिशिंग आती है. इट्स अ मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन, तो आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो. इट्स अ वेरी लाइट वेट फार्मूला एंड इन वेरी रीजनेबल प्राइस. ये आपको नियरली 500 की पड़ जाएगी एंड इट्स अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स. और आपको ये नॉर्मल लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी. इसके अलावा मेबलिन की एक और फाउंडेशन आती है विच इज़ सुपर स्टे फाउंडेशन, एंड वो भी मीडियम कवरेज की फाउंडेशन है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो. फॉर हाई एंड फाउंडेशन वी हैव दीज टू ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज़ एस्टेलॉडर डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप फाउंडेशन. इट्स अ रियली गुड ऑप्शन इफ़ यू हैव ऑयली स्किन. ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है और इसकी कवरेज नियरली मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है. इफ़ यू आर अ ऑयली स्किन पर्सन देन यू कैन यूज़ दिस फाउंडेशन, और इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन पर्सन लाइक मी तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. इट्स अ मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन विद SPF. सो वेरी गुड फाउंडेशन. इट्स अ क्लासिक वन. इसकी कवरेज भी मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है. ये दोनों फाउंडेशन आपको नायका एंड सेफोरा पे ऑनलाइन मिल जाएगी. ऑफलाइन आपको मैक के स्टोर से या फिर सफोरा के स्टोर से मिल जाएगी. फॉर कंसीलर आई हैव दिस LA गर्ल प्रो कंसीलर विच इज़ हाई डेफिनेशन कंसीलर. इट्स अ वेरी गुड कंसीलर इन अफोर्डेबल रेंज. ये आपको नायका पे, पर्पल पे और मिंत्रा पे मिल जाएगा. इसमें आपको करेक्टर्स भी मिल जाएंगे. लाइक आई एम हैविंग दिस ऑरेंज करेक्टर, तो इसमें आपको करेक्टर और कंसीलर दोनों मिल जाएंगे. एंड द सेकेंड अफोर्डेबल ऑप्शन इज माई फेवरेट कंसीलर विच इज़ मेबलिन इंस्टा एज रिवाइंड कंसीलर. ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है और इट्स माई गो टू कंसीलर. एंड एज कम्पेयर टू दिस वन ये काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है. और इसकी सबसे अच्छी बात यह है इट कम्स विद दिस स्पॉन्ज काइंड ऑफ थिंग, तो इसको अप्लाई करना काफ़ी ईजी है आपके लिए. आई एम यूजिंग दिस इन द शेड
सैंड विच इज़ नॉट माई शेड, मैं इसको हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ. फॉर अ हाई एंड ऑप्शन वी हैव दिस नार्स का रेडियंट क्रीमी कंसीलर. इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर, तो आपको इतना ज़्यादा अमाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको थोड़ा सा लगाने की ज़रूरत है और ये ईजिली ब्लेंड हो जाएगा और आपकी डार्क सर्कल्स एंड ऑल अच्छे से कवरअप कर देगा. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कंसीलर जो फुल कवरेज भी हो एंड इफ़ यू हैव अ बजट, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस बेबी राइट हियर. And for powder, I have this sugar ka compact powder. It's a really good powder to set your base. And it comes in 4 to 5 colors. So, aapko apna shade bhi isme mil jayega. Iske ilawa, aap Maybelline ka Fit Me ka powder bhi use kar sakte ho. Ye dono product kafi achhe hain in affordable range. And blusher ke liye, humare paas hai ye sugar ka chhotu wala blush. Aur same as single packaging mein humare paas किको मिलानो का ब्लश भी है. आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर मैं दोनों में से मुझे एक को चूज़ करना हो तो आई वुड चूज़ द शुगर कॉस्मेटिक वन, बिकॉज इसका टेक्सचर मुझे एज़ कम्पेयर टू दिस वन काफ़ी अच्छा है. ये भी अच्छा है बट कंपेरिजन वाइज दिस वन इज़ द बेटर वन, बिकॉज इट हैज़ रियली यू नो बटरी एंड स्मूथ टेक्सचर और ये काफ़ी अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाता है आपकी स्किन पे. एंड इसमें काफ़ी सारे आपको शेड्स भी मिल जाएंगे और ये नियरली आपको 300 to 400 में मिल जाएगा. और इस पैकेजिंग में आपको कॉन्टोर के लिए भी शेड मिल जाएगा. और अगर आपको हाईलाइट एंड कॉन्टोर पाउडर अलग से लेना हो तो आप वेट एंड वाइल्ड के हाईलाइट एंड कॉन्टोर, सिंगल वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइट एंड कॉन्टोर पैलेट आता है वो भी काफ़ी अच्छा है. उसमें भी आपको कलर टोन्स मिल जाएंगी, उसका भी टेक्सचर काफ़ी अच्छा है. आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट मैं आपके लिए एक लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसके अलावा यू कैन इन्वेस्ट इन दिस पैलेट. इट्स अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट और इसमें आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी. सबसे पहले आपको ब्लशर मिल जाएगा, इसमें काफ़ी क्यूट सा पिंक सा शेड है. एंड वी हैव कॉन्टोर शेड जो आपको न्यूट्रल सा कॉन्टोर शेड मिल जाएगा. एंड वी हैव दिस हाइलाइटर. और ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट काफ़ी पिगमेंटेड है और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं. और जो हाइलाइटर है इट्स सो पिगमेंटेड एंड सो गुड और बिल्कुल भी पाउडरी एंड टेक्सचरी फिनिश नहीं देता. एंड इट रिटेल्स फॉर नियरली 800 to 900 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड डील फॉर 3 प्रोडक्ट्स. इसके साथ आपको एक मिरर भी मिलेगा, सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा मिरर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. एंड फॉर सिंगल हाइलाइटर आई हैव दिस PAC कॉस्मेटिक का हाइलाइटर. इट्स अ बेक हाइलाइटर एंड आई हैव शेड 02 एंड इट रिटेल्स फॉर आई थिंक नियरली 900 रुपीज़ फॉर 7.5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट और ये काफ़ी देर तक चल जाएगा. एंड फॉर हाई एंड प्रोडक्ट वी हैव दिस पैका का हाइलाइटर. इट्स अ वेरी स्मूथ हाइलाइटर, इसमें काफ़ी सारे शेड्स और भी आते हैं. और इंडियन साइज पे ये आपको नायका पे या फिर सफोरा पे मिल जाएगा. एंड फॉर आई शेडोज यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड आई शेडो पैलेट्स जिसकी पिगमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट्स यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन वेट एंड वाइल्ड के आई शेडोज. उसकी रेंज भी काफ़ी रीजनेबल है और वेट एंड वाइल्ड के आई शेडो पैलेट्स मैंने पर्सनली यूज़ करे हुए हैं, उसके कलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं. और वेट एंड वाइल्ड के अलावा आप मेबलिन के आई शेडो पैलेट्स भी ले सकते हो. And for high-end range, we have this Jaclyn Hill Morphe palette. This is my one of the favorite palette. इसमें आपको काफ़ी सारे shades मिल जाएंगे, आपको highlighting के लिए shades मिल जाएंगे, आपको colorful shades मिल जाएंगे और इसमें आपको neutral tones मिल जाएंगी. इसमें आपको foil shades भी मिल जाएंगे जिसमें आपको pink tones मिल जाएंगी, golden tones मिल जाएंगी, silver tones मिल जाएंगी. तो इसके साथ आप काफ़ी सारे experiments कर सकते हो. अगर आपको smoky eye करना है तो उसमें ब्लैक कलर, ब्लू कलर, काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं. इफ़ यू आर स्टार्टर और आपको एक सिंगल पैलेट में इन्वेस्ट करना है तो यू शुड गो फॉर दिस पैलेट. एंड फॉर नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव दिस हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट. दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट फॉर माई ब्राइड्स. इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी देन दिस पैलेट इज़ परफेक्ट फॉर यू. इसमें आपको न्यूट्रल से लेके पिंक टोन्स और शिमरी शेड्स सारे मिल जाएंगे जो आप किसी भी अपने आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो. और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल द शेड्स आर सुपर पिगमेंटेड एंड सुपर सॉफ्ट और इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं कि आपको नायका एंड सफोरा दोनों पे मिल जाएगी.
फॉर काजल आई कैन सजेस्ट यू दिस रिकॉर्ड यूएसएस काजल. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काजल आई एवर यूज और इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन योर आईज और ये बिल्कुल भी स्मच नहीं होता. इफ यू लुकिंग फॉर अ काजल इन हाई एंड यू कैन चेक अर्बन डिकेज काजल. फॉर जेल लाइनर वी हैव दिस नेल्फ काजल NELF नेल्फ कॉस्मेटिक्स काजल. दिस इज द बेस्ट काजल इन ड्रग स्टोर और ये काफी देर तक स्टे करता है, स्मच भी नहीं करता एंड इट्स वेरी पिगमेंटेड एंड जेट ब्लैक. इफ यू लुकिंग फॉर कलरफुल लाइनर्स यू कैन ऑल्सो चेक आउट द कलरफुल रेंज from Recode USA. They are available in pencils and liquid as well. And for lipstick, I have so many options. सबसे पहले हम start करेंगे Maybelline से. If you're looking for a reasonable daily wear lipstick, जो आपके lip को moisturize भी करे, then this is a good option. ये आपको nearly 250 की range में मिल जाएगी. And for second option, I have this Maybelline Superstay Matte Ink Liquid Lipstick. I personally love this lipstick because it's super long lasting. It stays for 8 to 10 hours on your lips. And it's widely available in local market. आपको किसी भी Maybelline के counter पे easily मिल जाएगा. For second option, we have this Mega Last Liquid Catsuit Lipstick from Wet n Wild. It's also a matte lipper. इसका भी stay काफी अच्छा है, nearly 6 to 7 hours. And for third option, I have this lip crayon from Shuvo Cosmetics. They have recently launched new shades in this collection. Another matte lipstick from Shuvo Cosmetics is their mini version in Smudge Me Not. For high-end range, you can use my another favorite. This is from Stila. It's matte with creamy texture and super long lasting on your lips. Huda Beauty ki lipstick bhi kafi long lasting hai aur wo aapko Nykaa pe and Sephora pe easily mil jayegi. Last but not the least, this is the most important step of your makeup, which is a makeup fixer. For makeup fixer, I would recommend this product, which is MAC Prep and Prime. This is the classic version of this product. ये भी आपको Nykaa, Sephora and MAC के स्टोर पे इजिली मिल जाएगा. So this was it for today's video. I hope you all enjoy this video and do follow me on my Instagram and Facebook handles. If you do, let me know in the comment section below and I'll be back with another video super soon. Till then, bye bye. Take care.